हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू कतियानी कुकिंग चैनल। आज हम आपके लेकर आए हैं चिकन की एक खास रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी और साथ ही साथ कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। ये बैचलर्स प्लस हॉस्टल में जो रहते हैं या तो ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं रहता कुछ अच्छा बनाने का, उनके लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो देर ना करते हुए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल लेने से क्या होगा, जो ग्रेवी का टेस्ट होगा वो इन्हांस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच जीरा और इसको थोड़ा सा हल्का गर्म तेल में 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 मीडियम साइज़ अनियन, जिसको मैंने अच्छे बारीक पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, लगभग आधे स्पून तक नमक, ताकि अनियन हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेते हैं। अनियन के फ्राई होते ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें बे लीव्स, तेज पत्ता 4 से 5, अब लाल सूखी मिर्च यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप कम लाल सूखी मिर्च ऐड करें। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लाल सूखी मिर्च ऐड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे खड़ा गरम मसाला, उसमें हम लेंगे जायफल, जायवित्री थोड़ा सा, लौंग ले लेंगे, गोल मिर्च ले लेंगे 5 से 6 दाने, बड़ी इलायची और साथ ही साथ दालचीनी 2 टुकड़े। अब इन सबको हम थोड़ा सा थोड़ी देर 1 मिनट के लिए सॉटे कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg चिकन और चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। मैंने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट नहीं किया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 चम्मच के जिंजर और गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाले के बाद 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/2 स्पून सॉल्ट भी ऐड किया था, बट उसका वीडियो हम बना नहीं पाए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे सारे ग्रेवी को और साथ ही साथ चिकन को। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट तक, तो इसको पकने देते हैं। 5 के 7 मिनट बाद होते ही हम इसको कवर को हटा लेंगे और एक बार ऊपर नीचे करके चला लेंगे। ध्यान रखें कि मीडियम टू लो हमारा फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे तो ये जल सकता है। और इसी प्रोसेस को हम 4 से 3 बार कर लेंगे। फिर से देखिए, तीसरी बार यहाँ पे मैं कवर को हटा रही हूँ और इसको फिर से एक बार चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना ही कोई मसाला यूज़ किया है, ज़्यादा मैंने यहाँ पे मीट मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया था, ना यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ना गरम मसाला यूज़ किया है। और नॉर्मल जो मसाले सबके घर होते हैं और जो खड़े गरम मसाले जो कि सबके यहाँ होता है, वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पानी मत ऐड कीजिए। अब इसको थोड़ा 5 मिनट और पका लेते हैं और देखिए हमारा चिकन बनके एकदम तैयार है। इसको सर्व कीजिए गरम गरम, तंदूरी रोटी चावल के साथ इंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।